मिस मारवल इज़ द ग्रेट शो एवर लाइक मारवल यूनिवर्स की भी बात नहीं कर रहा मैं लाइक इट द ग्रेटस्ट शो एवर ब्रेकिंग बैड इज शिट गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी <laughs> मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मारवल ने ऐसी सीरीज़ बनाई है लेकिन हाँ IMDB एम में उसको 6.1 पॉइंट वन स्टार मिले हैं एंड एंड आई थिंक दैट इट्स ऑल प्रॉपर मेरे को लगता है इस शो को डिफेम करने की कोशिश करी गई है इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि एकदम गंद शो है बिल्कुल टट्टी शो है एंड इसके कैरेक्टर्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं और इस सुपर हीरो को अगर ये इंट्रोड्यूस भी नहीं करते तो भी चलता लाइक दे आर राइट बट स्टिल डूड स्टिल इस शो में फरहान अख्तर है फ़रहान अख्तर और मेरे को नहीं लगता जिस शो में फ़रहान अख्तर है उस शो के बारे में ऐसा कुछ बोलना चाहिए बट लोग प्रॉबागेंडा फैला रहे हैं एवरी वन इज़ बेस्ट और उन हेटर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग जो ये सीरीज़ देख रहे हो ना आप गलत तरीके से देख रहे हो ठीक है ना इसको आपको जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जो कि लोग बैठते हैं लैपटॉप में या टीवी में चला के दे इट एंड फिर सारा एपिसोड दे देखते हैं ऐसे आपको देखना ही नहीं है डूट यही तो इस इस शो का एक मैजिकल फीचर है आप इसको आंख बंद करके अपना दिमाग बिल्कुल ऑफ करके यू कैन वॉच दिस राइट और समटाइम्स अगर आप अपना ईयरफोन निकालोगे ना इट फकिंग हेल्प्स डरस्टैंड द मैजिक ऑफ द शो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है मतलब इतनी छोटी सी बात है राइट एंड अख्तर इज इन दीरिज राइट एंड स्पॉयर्स एलर्ट वो मर जाता है ही डाइज एक एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया और उसको मार भी दिया और मैं किसी से बात कर रहा था वो मेरे को बता रहा था कि फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर है मेरे को समझ में नहीं आया आया वो क्यों आया उसका काम क्या था पूरी सीरीज में और उसको मार भी दिया डूड मैंने उस आदमी से रिश्ता तोड़ दिया अपना वो तो मेरे को कॉल करता रहता है इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ बिकॉज़ फरान अख्तर डूड क्योंकि वो जो भी करता है आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हो ऐसे ठीक है ना एंड आई नो जो बंदा जो बोल रहा था फरहान अख्तर के बारे में आई नो ही इज राइट बट भैया आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है आप दिमाग लगा रहे हो कि यार स्टोरी कैसी है एंड कैरेक्टर कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं या नहीं हैं आपको ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं है सबसे पहली बात तो ये इस इस सीरीज़ की यही तो ख़ास बात है आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है राइट और मैंने क्या बोला है आंखें बंद दिमाग बंद और कभी कभार कान से भी निकाल दो भाई मैं तो बोल रहा हूँ पूरे एपिसोड जो देख रहे हो निकाल दो चलने दो और जैसे ही एपिसोड ख़त्म होगा ना गूस बम्स कूजबम्स बम्स और जब भी फरहान अख्तर मरा डूट मेरे को लगा कि ये गॉड फादर का भी लेवल तोड़ दिया है इसने लाइक फेस इज एवरी मूवी इज शिट एवरी मूवी इज फक इन शिट इन फ्रंट ऑफ दिस दिस मास्टर पीस एंड आई नो बहुत सारे लोगों को जब भी उन्होंने देखा फरहान अख्तर मरा दे टेंट केयर दे वॉज लाइक ओके ठीक है हो गया एंड दोज पीपल कैन गो फक सेल्फ बिकॉज इतना सही कैरेक्टर टूट उसको इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ठीक है और इतने अच्छे से बिल्ड किया उस कैरेक्टर को मेरे को उस कैरेक्टर की हर चीज़ पता चल गई थी हालांकि मैंने उसको देखा नहीं था क्योंकि मैंने आंखें बंद कर रखी है मेरा दिमाग बंद है आंखें बंद राइट और मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था कि वो क्या बोल क्या रहा है टू आई विज सो कनेक्टेड विद हिम आई वज लाइक यस यस और जब भी वो मरा एंड आई वज लाइक फक मैन और जो लोग फरहान अख्तर का मजाक उड़ा रहे हैं ना आई विल सी यू एट एम आई विल सी यू एट गोल्डन ग्लोब्स फरहान अख्तर विल विन अ गोल्डन ग्लोब फॉर दिस फॉर दिस रोल बिकॉज यू कॉन्ट मैच दिस डूड दिस इज जस्ट अ गॉड्स वर्क डूड यू आर सीइंग अ मास्टर पीस लाइक आई सीरियसली थिंक कि इस शो को आई एम टी वी में एट लीस्ट इट शुड भी नाइन पॉइंट एट लाइक इट शुड बी नाइन पॉइंट एट और एक और एडवाइस में देना चाहता हूँ अगर आपको ये शो अच्छा नहीं लग रहा है जस्ट जस थिंक कि यू आर मारवल है यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट देम इस कंपनी ने हमें इन्फिनिटी वॉर दी राइट right? इस कंपनी ने हमें एंड गेम्स दी इस कंपनी ने हमें स्पाइडरमैन नो वे होम दी राइट एंड नाउ इट्स मिस मावल विच आई थिंक इन सब फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है हर किसी से शो में आप इतना कनेक्ट करने लग जाते हो कि आपको लगता है ये आपकी फैमिली है लोग कह रहे हैं फ्लैट है किसी कैरेक्टर में दम नहीं है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं बट यू हैव टू जस्ट क्लोज यूराइज यू हैव टू क्लोज योराइज फॉर दैट जिस चीज को तुम देख नहीं सकते तो तुम्हें वो फीलिंग्स आएंगी ही नहीं एंड या आई एम टेलिंग यू वी आर विटनेसिंग अ पीस लाइक टैरेंटिनो ने अभी रिसेंटली ये कहा है आई एम अशेम्ड दैट मैंने पल फिक्शन जैसी मूवी बनाई आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज एंड फॉर हेटर्स इट्स अ बिग फक यू टू यू ऑल